अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आगे रमज़ान आ रहा है तो अलग अलग तरह के शरबत तो हम लोग रोज़ पीते ही रहते हैं। आज मैं आपको रिफ़्रेशिंग सा रेड दूध सोडा बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे दूध ले लिया बहुत ठंडा और तुखम लंगा ले लिया। सबसे पहले जग आगे करते हैं और इसमें कोई सा भी रेड सिरप आप लोग डाल लें, रूह अफ़ज़ा डाल लें या जो आपके घर पड़ा हो आप लोग डाल लें, ये इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है ना, आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद हमने दूध ऐड कर देना है और उसके बाद हमने दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये यकजान हो जाए। साथ हम लोग तुखम लंगा ऐड कर देंगे, जो सारे दिन की भूखे रह के आपके मैदे में आग लगी होगी ना, वो उसको दूर करेगा और आपके मैदे को ठंडक पहुंचा देगा, एक दफ़ा आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं, वो है स्प्राइट। तो जितना आप लोग भरना चाहें भर ले, मैंने भी जग भर लिया क्योंकि हम सब ने पीना है। तो जनाब ये इतना रिफ़्रेशिंग, इतना मज़ेदार सा हमारा रेड दूध सोडा तैयार हो चुका है। एक तो रमज़ान में आप लोगों के मैदे में गर्मी ज़्यादा हो जाती है, उसको दूर करेगा, ऊपर से दूध के साथ बना हुआ है तो आपको पता ही कितना ज़्यादा हेल्दी होगा। फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चे बूढ़े सभी शौक से खा पी सकते हैं, पी सकते हैं, खा तो नहीं सकते। अच्छा मैंने नोट किया, आप लोग रेसिपी देख लेते हैं लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते तो बड़ी ख़राब बात है, ये बड़ा ख़राब लगता है। आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।